The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से एक और गाइडलाइन आई है एडवाइजरी आई है आपने देखा होगा टीवी पे और कई सारे यूट्यूब वीडियोस में भी कि चाइना में और कई सारे देशों में स्प्रे बूथ्स बने हुए हैं लोग स्प्रे बूथ के थ्रू वहाँ खड़े होते हैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड आधा मिनट कुछ सेकंड में उनके ऊपर फुव्वारे गिराए जाते हैं और उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं और वाह 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 ये होना चाहिए हम सब ने सोचा सब ने बोला कई लोगों ने बोला कि भाई ये होना चाहिए कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं मुझे कई जगह मैसेजेस आए हैं कि सर ये हमने बनाया है लिटरली लोग अपने कारखानों में अपने अपने सेंटर्स में ऐसे बूथ बना रहे हैं कि ये स्प्रे करता है वो स्प्रे करता है और इस सब को देखते हुए एक हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई है कि भाई साहब सुन लो जरा शांत हो जाओ एक मिनट हमारी बात सुनिए तो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि भाई बहुत सारी क्वेरीज आई है रिगार्डिंग एफिकेसी ऑफ दिस डिसइंफेक्टेंट सच एज लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे जो दोनों इंडिविजुअल के ऊपर डाला जाए टू डिसइंफेक्ट देम अगर ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज़्यादा मीडिया में अटेंशन पा रही है और लोकल लेवल्स पे कई सारे लोकल बॉडीज खुद इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं सो अल्टीमेट इशू क्या है इसमें कि ये गलत है ये नहीं होना चाहिए जी हाँ नहीं होना चाहिए ज़रूरत नहीं है इसकी और इससे नुकसान भी है सुनो कैसे पहला तो ये है डिसइंफेक्टेंट्स जो भी होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन को या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके इनएनिमेट सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स पे डिसइंफेक्टेंट जिसको बोलते हैं स्टेरलाइजर अलग है डिसइंफेक्टेंट अलग है ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे मान लो टेबल हो गया आपके घर में मोबाइल फोन हो गया या दूसरी चीज़ें उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए उसके ऊपर से बैक्टीरियाज को मार देने के लिए वायरसेस को मार देने के लिए हटा देने के लिए बनाए जाते हैं सो ये सब्सटेंस को अप्लाई किया जाता है इन एनिमेट नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स पे क्योंकि वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसइंफेक्टेंट्स की बहुत स्ट्रांग होती है केमिकल्स हैवी केमिकल्स होते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर स्प्रेइंग ऑन इंडिविजुअल बता रहा उसके हिसाब से भी बट केमिकल डिसइंफेक्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए रेकमेंडेड होते हैं क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ ओनली ऐसी जगहें जो आप फ्रीक्वेंटली टच कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली टचिंग जिस जिस एरिया को होते हैं वहाँ पे टच करना है या अगर कोई सस्पेक्टेड आप जगह है जिसको सस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ इसके ऊपर कोरोना वायरस लगा हुआ है तो इसको आप करेंगे दैट इज ट्रू बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी के प्रिकॉशनरी मेजर्स लें ग्लव्स पहने ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन ऑल्सो कि वो आपके स्किन पे टच ना करे और यहाँ लोग स्किन पे चेहरे पे हाथ पे हर जगह स्प्रे मार रहे हैं कपड़ों पे स्प्रे मार रहे हैं कपड़ों पे तो ठीक है लेकिन जो आपके स्किन पे जा रहा है जो वहाँ आ रहा है वो बहुत हार्मफुल है स्प्रेइंग सीधा सीधा इसकी गाइडलाइंस में आपने देखेंगे स्प्रेइंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इज नॉट रिकमेंडेड इन कैपिटल लेटर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस स्प्रेइंग ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विद केमिकल डिसइंफेक्टेंट इज फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हार्मफुल फिजिकली हार्मफुल साइकोलॉजिकली हार्मफुल और अगर कोई पर्सन जो पोटेंशियली एक्सपोज भी है कि इसको कोरोना वायरस के हॉस्पिटल से आया है एक्सपोज भी है उसको भी आप एक्सटर्नल पार्ट पे स्प्रे कर दोगे तो उसके अंदर गया कोरोना वायरस नहीं मरने वाला कोरोना वायरस विच हैज एंटर्ड द बॉडी विल नॉट डाई सो देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस देर इज नो लॉजिक हियर कि हम उसको इस तरह से ऊपर से स्प्रे करें इफेक्टिवली या उसको उसके बाहर के कपड़ों को स्प्रे कर देने से आप इन्फेक्शन रोक दोगे आपने कितना भी स्प्रे किया उस आदमी के अंदर कोरोना वायरस पनप रहा है अगर तो उसने खांस देना है तो या उसने बोलना भी है तो वो उनके ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे और कोरोना वायरस फैलाएंगे ना अगर हम सोचे कि सर चलो हम डिसइंफेक्टेंट नहीं हम क्लोरीन को स्प्रे करते हैं तो क्लोरीन को स्प्रे करना इंडिविजुअली अपने आप में आपकी आंखों को स्किन को इरिटेट कर सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को पेट को खराब कर सकता है नौजिया वॉमिटिंग कर सकता है
सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसा सोल्यूशन अगर आपने इनहेल कर लिया तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर सकता है, नाक थ्रोट रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है प्रॉब्लम कर सकता है, अस्थमा पेशेंट्स में ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है, नॉर्मल पेशेंट्स में भी ब्रोंकोस्पाज्म हो सकते हैं। प्लस ऐसे ऐसे मेजर से एक फॉल्स सेंस ऑफ डिसइंफेक्शन आ जाता है, आपको एक सेफ्टी आ जाती है कि हम तो भाई सेफ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने तो मार लिया अब हमारे ऊपर वायरस नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लोग हाथ धोना बंद कर दे, अभी तो कराया, हाथ कहाँ से धोना है, छोड़ो यार। सो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज़रूरी है, अपने तरफ से प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है, घर पे रहना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगी। हेल्थ मिनिस्ट्री का ये बहुत अच्छा हमने एडवाइजरी देखा, इसलिए सोचा आपको बताएं। सो आई होप आपको समझ में आया। तो ये जितने भी लोगों का आपको मैसेज आता है, वीडियो आता है, उनको बोलिए भैया अपना दिमाग मत लगाओ, डॉक्टरों को डॉक्टर वाला काम करने दो, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो एडवाइजरी आई है उसको देखो, उसको समझो और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपके सवाल है तो जरूर पूछिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।